जहरीली शराब मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में आरोपी महिंदर के नाम पर चल रहे 22 ठेकों को सील किया गया है। आरोपी महिंदर पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, साथ ही आरोपी की प्रॉपर्टी को भी अटैच कर लिया गया है। आबकारी महकमे ने बड़ा अमल किया है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जहरीली शराब मामले में यमुनानगर में आरोपी महिंदर के 22 ठेकों को सील किया गया है। आरोपी महिंदर पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और उसकी संपत्ति को अटैच भी किया गया। बड़ी खबर आपको यमुनानगर से दे रहे हैं। ऐसा मामले में आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है आबकारी विभाग ने। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले यमुनानगर में जहरीली शराब के चलते 30 से ज्यादा घरों के चिराग बुझ गए थे, 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है आबकारी विभाग की तरफ। बकाया जो भी रिकवरी बन रही है उनकी अभी हम उस पर वर्क कर रहे हैं और इसके नोटिस देके और लैंड रेवेन्यू एक्ट में डिक्लेयर करके इनकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है ट्रेस आउट करेंगे और इसकी सरकार का रेवेन्यू रिकवर करेंगे। हमारी संवाददाता रजनी सोनी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रजनी, यमुनानगर में जहरीली शराब मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है आबकारी विभाग ने। आरोपी महिंदर के 22 ठेकों को सील किया गया है, 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर लिया गया है। कैसे कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, तफसील से जरा बताइए रजनी। बड़ी कार्यवाही है जिस तरह से जो आरोपियों की धरपकड़ भी की थी, कई इसमें राजनीतिक लोग भी शामिल होने की बात सामने आई थी, जिसमें 2 लोग ऐसे हैं जो कि पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और जिस तरह से सरकार का भी कहना था कि इस मामले में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी, इसी की मद्देनजर जो आबकारी विभाग है यमुनानगर का, उसने बड़ी कार्यवाही की है और 22 ठेके जो हैं, जो एक ठेकेदार महिंदर है उसके नाम से चल रहे 22 ठेके और इसके साथ साथ 37 उप ठेके जो है उनको सील कर दिया गया है और 2.5 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ का जो जुर्माना है वो भी लगाया गया है। और जो प्रॉपर्टी अटैच करने की बात भी कही जा रही है कि जुर्माना जो है अगर नहीं दिया गया तो उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी। और इसमें जो पकड़े गए आरोपी हैं, हालांकि वो जेल में हैं, लेकिन उनके बाद जो है उनके आबकारी विभाग ने काफी बड़ी कार्यवाही की है और ये जो ठेकेदार थे इनको डिफॉल्टर भी घोषित कर दिया गया है। और हालांकि जो आगे की नीलामी का प्रोसेस है वो जल्द ही शुरू हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से ये मामला जहरीली शराब का ये मामला सामने आया था उस पर बड़ी कार्यवाही जो है वो अब आबकारी विभाग की मानी जा रही है। जी मुमताज, क्या लगता है रजनी, इस बड़ी कार्रवाई के जरिए एक बड़ी मिसाल, बड़ी इबरत पेश की गई आबकारी विभाग की तरफ से कि जितना जघन्य अपराध किया गया है, लोगों को जहरीली शराब पिलाकर जिस तरह से मौत के घाट ही उतारा गया एक तरह से, तो फिर ये एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है आइंदा इस तरह के जघन्य अपराध को करने से पहले लोग 100 दफा सोचेंगे जरूर। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि सरकार ने भी ये साफ कर दिया था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी जो बयान आया था और इसके साथ साथ जिला प्रशासन भी जो है उन्होंने भी साफ कर दिया था कि जो भी आरोपी इस मामले में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि इसमें काफी लोगों की जो है वो मौत हुई थी और बेकसूर लोग जो है वो इसमें अपने जान गंवाई है और इससे जो है प्रशासन भी कहीं ना कहीं कड़ा सख्त रवैया जो है वो अपनाता हुआ नजर आ रहा है। और आबकारी विभाग का ये जो कार्रवाई है वो काफी बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जो एक साथ इतने बड़े ठेके और 37 उप ठेकों को सील किया जाना और साथ ही साथ काफी भारी भरकम जो जुर्माना है इन ठेकेदारों पर लगाया गया है, तो निश्चित तौर पर ये आबकारी विभाग की जो है बड़ी कार्यवाही की जा कही जा सकती है। शुक्रिया रजनी आपका इस अहम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।